हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एनी टाइम टिप्स। आज के इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं आप सभी को पता चल गया होगा वीडियो का थंबनेल देख के। जिस भी सीएससी वेली भाई ने काम किया था, जैसे कि बताए हैं कि पीएमजी दिशा, साथ में इकोनॉमिक सेंसे, साथ में आयुष्मान भारत, तो इन सब का पेमेंट जो है सक्सेसफुली जिसका जिसका भी ड्यू था पेमेंट, ठीक है। जैसे कि आयुष्मान भारत का बहुत दिन से ड्यू था, 2019 से ड्यू था, ठीक है, लगभग 4-5 महीना से। वो पेमेंट आज रिसीव हो चुका है, जितना भी कमीशन था मेरा वो आ चुका है, मतलब जो मेरा ड्यू था कमीशन में वो सक्सेसफुली आज पेमेंट आ चुका है। तो सबसे पहले तो लॉकडाउन में, जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले पीएमजी दिशा का जिसका भी पेमेंट ड्यू था उसका पेमेंट आ चुका। फिर उसके बाद इकोनॉमिक सेंसेस का, हालांकि पीएमजी दिशा वाला वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन इकोनॉमिक सेंसेस का वीडियो बना दिए थे कि इसका पेमेंट कब आया था, ठीक है, और उसको पे आउट भी करके दिखाए थे। साथ में आयुष्मान भारत का पेमेंट आज रिलीज हो चुका है और आज मुझे रिसीव भी हो चुका है। तो चलिए दिखाते हैं आपको डीजीपे में। वीडियो का थंबनेल आपने देखा कि पीएमजी दिशा, इकोनॉमिक सेंसस, आयुष्मान भारत का पेमेंट आ चुका है, लेकिन एक दिन में ही नहीं आया है, अलग अलग दिन में आया है, ठीक है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि जिसका भी पेमेंट ड्यू है वो कैसे रिलीज करवा सकता है और साथ में किसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे आयुष्मान भारत का पेमेंट कितना आया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी बता देना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो सबसे पहले हमको डीजी पे लॉगिन करना पड़ेगा, और आपको ये भी बता देते हैं और एक थंबनेल दिखा देते हैं आपको। ये देखिए सीसी डीजी पे इंस्टॉल 2020, मतलब ये 2 दिन पहले, ठीक है, आज हो गया 9 तारीख, 9 अप्रैल हो गया, हम 6 अप्रैल को ये वीडियो अपलोड किए थे, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख के आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, डीजी पे, क्योंकि सीएससी वेली जिस भी सर्विस में काम करेगा और जो भी सर्विस में कमीशन देने वाला सर्विस रहेगा उसका कमीशन जो है डायरेक्ट डीजी पे में आ रहा है, ठीक है, इसलिए आपको डीजी पे इंस्टॉल करना है। तो सक्सेसफुली इंस्टॉल कैसे करना है ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसका जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ पर देखोगे ड्राइव डाउनलोड भी लिंक आपको यहाँ मिल जाता है, न्यू वर्जन डीजी पे यहाँ डाउनलोड लिंक जो जनवरी 2020 में रिलीज हुआ था वही, और साथ में मर्को ड्राइव, इस स्टार्टेक का ड्राइवर यहाँ डाउनलोड लिंक मिल जाता है, ठीक है, मतलब आरडी सर्विस, साथ में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आप चाहो तो ये फॉलो कर सकते हो, नहीं तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पर ये वीडियो देख लोगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम डीजी पे ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कितना रिलीज हुआ मेरा आयुष्मान भारत का अमाउंट, मतलब रिसीव हुआ। तो चलिए हम इसको ओपन कर दिए हैं, अभी सीएससी आईडी डालना पड़ेगा, डाल लेते हैं। यहाँ चेक मार्क में क्लिक करते हैं और स्कैन में क्लिक करते हैं। जैसे स्कैन में क्लिक करोगे आपका जो भी डिवाइस रहेगा, मोरफो का हो, मंत्रा का हो, जो भी, वो लाइट ऑन हो जाएगा, तो आप अपना अंगूठा लगा दो, थंब लगा दो। तो चलिए हम यहाँ लगा देते हैं, देखते हैं एक बार में लॉगिन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा बायोमेट्रिक डाटा बार बार मिसमैच हो जाता है। अब जैसे लॉगिन करोगे, यहाँ देखिए बायोमेट्रिक डाटा मिसमैच, चलिए हम इसे फटाफट लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ देखो जैसे सक्सेसफुली फिंगर कैप्चर हो जाएगा तो यहाँ देखो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, इसे क्लोज पे क्लिक करो, यहाँ ओटीपी डालो और लॉगिन करो। तो चलिए 165185 डाल दिया, अब यहाँ वैलिडेट में क्लिक करते हैं। अब जैसे वैलिडेट में क्लिक करोगे ये ऑप्शन आएगा, आप इसे क्लोज में क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक जो है लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर बैलेंस जो दिखा रहा है 362 रुपया, ठीक है, 362 रुपया नहीं आया है, उससे कहीं ज़्यादा आया है। और यहाँ पर आपको डीजी पे में और एक अपडेट मिल रहा है, जैसे कि पहले 1000 रुपया मैंडेटरी था रखने के लिए, लेकिन आपको 1000 रुपया नहीं रखना पड़ेगा, 100 रुपया आपको रखना पड़ेगा वॉलेट में, ठीक है। जैसे कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल में 100 रुपया रखना ही पड़ता है, मेंटेन करना ही पड़ता है, तो उसी तरह आपको यहाँ 100 रुपया रखना पड़ेगा। तो चलिए आज के डेट में मुझे कितना पेमेंट रिसीव हुआ है आज का डेट देख लीजिए, ठीक है, आज का डेट 9 अप्रैल हो गया। हम यहाँ पासबुक में जाते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट में क्लिक करते हैं पासबुक, और यहाँ देखोगे 9 अप्रैल यहाँ जो लिखा गया है, यहाँ पर देखोगे 9 अप्रैल यहाँ लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पर आया है 1482 रुपया, ठीक है, टोटल बैलेंस हो गया था मेरा 2368 रुपया। और ये किसके लिए आया है 1482 रुपया, यहाँ पर देखोगे आयुष्मान भारत JH, मतलब झारखंड का, ठीक है। तो आयुष्मान भारत का सक्सेसफुली आज पेमेंट रिसीव हो चुका है, उसके बाद मैंने 2000 रुपया पे आउट कर लिया, जो इंस्टेंट होता है, ठीक है। आप जब भी पे आउट मारोगे ना, एक बात बता देता हूँ, जब भी पे आउट मारोगे आप यहाँ MPS सेलेक्ट करोगे वो इंस्टेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप NFT सेलेक्ट करोगे तो आपका अमाउंट जो है अकाउंट में लगभग 1-2 दिन बाद आएगा। और यहाँ ये भी बता देते हैं, अगर आपने HDFC में अकाउंट खोल चुके हो, ठीक है, करंट अकाउंट, तो वो करंट अकाउंट जो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर लिंक हो चुका है डीजी पे में, ठीक है,
डीजी पे में आपका करंट अकाउंट लिंक हो चुका है ऑटोमेटिक। आप अभी हम आपको दिखा देते हैं। और 2,000 रुपया यहाँ पर जैसे कि बताए, ये आयुष्मान भारत का हो गया। और यहाँ इकोनॉमिक सेंसेस का फिर मेरे पास 2,000 रुपया आया था, वो कुछ दिन पहले आया था, ठीक है। तो उसका एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, लेकिन पे आउट जब किए थे उसका डेट पता है। तो पे आउट वाला हम सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखोगे 6 तारीख कर देते हैं, ठीक है। 9 अप्रैल हो गया, हम यहाँ 6 अप्रैल करके गो में क्लिक करते हैं। यहाँ पर फिर 8 कर देते हैं, हाँ 8 को किए थे, सॉरी। यहाँ देखोगे मेरा 600 रुपया था, किसी का 200 रुपया विड्रॉल किए, और यहाँ देखोगे टोटल 2,800 रुपया हो गया। ये देखो गो में क्लिक करोगे, फिर यहाँ SYNC में क्लिक करोगे तो ये शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 तारीख को मैंने, मतलब कल के डेट में मैंने फिर से 2,000 रुपया पे आउट किए थे, ठीक है। जो टोटल बैलेंस बच गया था मेरा 885 रुपया। और आज का दिखा देते हैं, 2,000 रुपया अगर आता है तो कितना हो जाता है, सॉरी 1,400 रुपया कुछ आता है। तो यहाँ देखिए 800 पहले से था, 886, टोटल मिला के 2,368 रुपया। और इसका जो है PMG दिशा वाला जो है, इसका बहुत पहले आया था, इसलिए मैं एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो जिस भी CSE भेली भाई का इन सारे सर्विस का पेमेंट पेंडिंग में पड़ा था या फिर ड्यू पड़ा था, ड्यू में था, तो उसका सभी पेमेंट रिसीव हो चुका है, रिलीज हो चुका है। अगर आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो अपने सबसे पहले DM से कांटेक्ट करो, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का ही पास पूरा डाटा होता है, किसके किस वैली के पास बैलेंस जा चुका है, किस वैली का बैलेंस पेमेंट नहीं हुआ है, उन सब का डाटा उसी के पास रहता है, और वही बता सकता है आपका अमाउंट आया है या नहीं आया, या किस कारण नहीं आया है, वही बता देगा। तो बस इस वीडियो में यही जानकारी देना था कि अगर आप इन सारे सर्विस में काम किए थे तो जो भी आपका अमाउंट है, कमीशन है, वो आपको रिलीज कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक DGPay इंस्टॉल नहीं किए हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ पर आसानी से आके पढ़ सकते हो, साथ में वीडियो देख के आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी इसी तरह की जानकारी आने वाले टाइम में लगातार मिलते रहेगा। तो मिलते फिर एक नए वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।